हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, हमने लिमिट्स ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब लिमिट्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कंटिन्यूटी चेक करना कोई फंक्शन का। बच्चों, फंक्शन की कंटिन्यूटी है या नहीं है, राइट? इन अदर वर्ड्स, फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम बात पता करेंगे। तो यार, ये ग्राफिकली तो बहुत आसान है मेरे लिए। एक्स वाई एक्सिस है, अगर मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखा कहीं ब्रेक आ रहा है क्या? नहीं, ये क्या है? कंटिन्यूस है। यस, कहीं भी ब्रेक नहीं आया। जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने अपना पेन कहीं उठाया नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और मैंने ऐसा किया, फिर उठाया, फिर ऐसे किया, तो क्या हुआ? ब्रेक हो गया ना फंक्शन। ओके, ये कहीं ब्रेक हो गया फंक्शन। तो बेसिक बात यह कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और अगर आप पेन को है ना स्मूथली चला सकते हो, लिफ्ट नहीं करना पड़े, राइट, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। और अगर आपको ग्राफ में ग्राफ बनाते वक्त पेन को लिफ्ट करना पड़ा, जैसे मैंने अभी लिफ्ट किया और फिर आप आगे बढ़ाए, तो ये इसका मतलब क्या है? व्हेनेवर यू लिफ्ट पेन व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन इट इज डिसकंटिन्यूस। सिंपल बात है, राइट? अगर आपको लिफ्ट करना पड़ रहा है, मतलब वो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। ओके, और जब भी आप स्मूथ निकाल रहे हो तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। सिंपल बात है बच्चों, दिस इज एज सिंपल एज दिस। ओके, इतना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हम हर फंक्शन का ग्राफ बना पाएंगे क्या? यस, है ना, यहाँ दिक्कत है। तो हमें मैथमेटिकल तरीका चाहिए, हमें मैथमेटिकल तरीका चाहिए कंटिन्यूटी चेक करने का, क्योंकि हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, तो ग्राफ से कैसे बताएंगे? बात बराबर है। ओके, तो बच्चों अगले 5 मिनट में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कंटिन्यूटी का, फिर हम अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा अगले 5 मिनट। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, है ना, कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करने वाले हैं। तो इसको मैं 3 केसेस में डिवाइड करता हूँ। केस ए, ओके, केस ए को मैं ऐसे ग्राफ से दिखा रहा हूँ बच्चों, ना, लेट अस से ऐसा कोई ग्राफ है और हम चेक करेंगे कोई x इक्वल टू ए पॉइंट पे, है ना, ये ग्राफ है कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और हम यहाँ चेक करेंगे x इक्वल टू ए पे। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट बोल रहे हैं ना, तो पॉइंट कौन सा है जो चेक करना है हमें? ये वाला पॉइंट, विच इज x इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे, ये ए केस। सेकेंड केस बी, ठीक है, इसका ग्राफ जो है इस फंक्शन का, राइट, ये भी ऐसी है। ओके, ऐसी बात होगी, यहाँ पे होल है, ए पे इट इज गिविंग अस सम अदर वैल्यू। ठीक है, तो ये भी x इक्वल टू ए की बात चल रही है, ये सेकेंड केस हुआ बच्चों। ठीक है, दिस इज सेकेंड केस। और थर्ड केस मैं लूंगा यहाँ पे, लेट से यहाँ ले लिया। ठीक है, सो थर्ड केस है यहाँ पे, तो थर्ड केस में ऐसा हुआ, ओके, ये यहाँ पे कुछ और फिर यहाँ से ऐसा कुछ, अगेन यू आर चेकिंग एट x इक्वल टू ए। सो दीज आर द 3 डिफरेंट फंक्शंस, 3 डिफरेंट ग्राफ्स, और इन ग्राफ से हम कंक्लूजन बनाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, फिर कैसे मैथमेटिकली होता है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? हाँ, पूरे इसमें कंटिन्यूस है, यस। तो ए पे भी कंटिन्यूस है, यस, क्योंकि कहीं लिफ्ट नहीं किया ना, मैं जब ड्रॉ कर रहा था तो एकदम आराम से ड्रॉ किया, लिफ्ट किया गया पेन नहीं, तो यस सर, ये कंटिन्यूस वाला केस है। बढ़िया बात है, चलिए मैं लिख देता हूँ ये पहले केस के ऊपर ना, इसका हेडिंग लिख देते हैं। ओके, तो ये हेडिंग क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन वाला। ओके, ये है कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये पहला केस जो है उसका हेडिंग कंटिन्यूस फंक्शन। सेकेंड, राइट, देखा आपने जब ड्रॉ कर रहे थे तो ऐसे लिफ्ट करना पड़ा ना मुझे, यस, है ना, लिफ्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ होल आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूस है, है ना, तो दिस इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ओके, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। नेक्स्ट वाला भी आपने देखा, जब मैं ड्रॉ कर रहा था ऐसे, फिर मेरे को हाथ उठाना पड़ा और फिर ऊपर गया, तो सर ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है सर, यह दो अलग अलग ब्रांच है और यहाँ पे एक ही पॉइंट है, है ना। हाँ, तो ये सारी बातें हम लोग अब मैथमेटिकली समझेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। ओके, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही ऐसी है कि इफ इफ देखो x इक्वल टू a की बात चल रही है ना, x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो a को हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो हम लोग एक्चुअली लिमिट निकालेंगे। और अगर हम दोनों ही सेम जगह अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक जगह आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर उस जगह जो है वैल्यू भी प्रेजेंट है, तो वैल्यू एट दैट पॉइंट ए पे वैल्यू क्या होगी? जब आप एक्स को ए रखोगे तो वाई क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा ना, तो वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट में चेक कर रहा हूँ वो वैल्यू लेफ्ट और राइट लिमिट के बराबर अगर होती है, राइट, दोनों के बराबर, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, सिंपल बात है, राइट, ऐसी बात होगी कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ द फंक्शन, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ओके, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है, ओके, और फाइनाइट वैल्यू के बराबर भी है ये, तो लेफ्ट और राइट इक्वल है मतलब क्या? इफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट फंक्शन। ठीक है,
तो देन फंक्शन इज, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, कहां पे इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, कहां चेक करते हैं बच्चों हम लोग, एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो बस सिंपल सा थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है। हमको लिमिट तो निकालना आता है, लिमिट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमको लिमिट निकालना आता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड है ना, वो सारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो सारा लिमिट निकालेंगे, किसी भी तरह लिमिट निकालिए, लेफ्ट राइट यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट इज अप टू यू, फंक्शन को देख के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमने लिमिट निकाल ली और वो वैल्यू एट दैट पॉइंट जो है फंक्शन का वैल्यू उससे बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, ओके कंटिन्यूअस है। ओके बच्चों, ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट अच्छे से लिखेगा, पहला कंटिन्यूअस फंक्शन और उसके नीचे ये सारा। ठीक है, अब सेकंड डिसकंटिन्यूअस है ये, बट क्या फर्क पड़ेगा, सेकंड का हम यहां लिखेंगे और थर्ड का नीचे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब अगर आप देखो अप्रोच कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड से अप्रोच करो यही पे आ रहे हो, राइट से अप्रोच करो यही पे आ रहे हो, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो इक्वल है सर, यस है ना, लेकिन बच्चों फंक्शन का वैल्यू क्या ये है, नो फंक्शन का वैल्यू कोई और पॉइंट है, राइट, ये फंक्शन का वैल्यू देखिए कोई और पॉइंट है, लिमिट कहीं और आ रहा है, लेट से लिमिट आ रहा है कुछ y1 पे और फंक्शन का वैल्यू आ रहा है y2। अब कैन यू ऑल अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक होल आ गया, अच्छे समझिए, आप लेफ्ट साइड से आ रहे राइट, बहुत पास आ गए तो, और राइट से भी आ रहे, तो दोनों आप एक ही जगह पहुंच रहे हो, मतलब आपका आंसर जो है वो क्या रहा है लिमिट का, लेट से लिमिट का आंसर है y1 यानी 1 पकड़ लेते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो 2 है, इस फंक्शन का वैल्यू अलग से दिया है वो क्या है 2 है, राइट, सो इट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर गया बट ये वैल्यू जो है फंक्शन का उससे बराबर नहीं है, अगर ऐसा होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, बट अगर ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कहा यार ये वैल्यू क्यों रख रहे हो ये रख लो ना, अगर मैं कहूँ कि ये वाला वैल्यू क्यों रख रहे हो ये रख लो ना, ठीक है 2 की जगह 1 कर दो ना, अगर मैंने ऐसा कहा कि भाई सिर्फ वैल्यू चेंज करने से फंक्शन की कंटिन्यूटी बन सकती है, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस बट रिमूवेबल, है ना, कैसी डिसकंटिन्यूटी है ये, रिमूवेबल है। ओके, तो रिमूवेबल कैसे रिमूव होगा, यार सिर्फ एक वैल्यू चेंज कर दी अगर मैंने तो रिमूव हो जाएगी ना डिसकंटिन्यूटी, यस सर। ओके बच्चों, आराम से देखिएगा, है ना, बहुत आराम से, ये कॉन्सेप्ट है हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते हैं, तो लेफ्ट साइड से आप ए को अप्रोच करो तो ए माइनस, मतलब यहां से अप्रोच करोगे इधर, ठीक है देखो लेफ्ट साइड से अप्रोच करो मतलब यहां से आएगा बेटा, तो आपका आंसर कुछ ये आएगा 1 वाई 1 वाला चीज। ठीक है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो आप तो कहीं और पहुंचोगे वाई 2, तो कैन यू सी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं होगा, लेफ्ट लिमिट आपकी देखोगे तो कुछ और वैल्यू देगी, राइट, लेफ्ट लिमिट अलग आएगी राइट लिमिट अलग आएगी, तो आई कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस का मतलब है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए विच इज इररिमूवेबल, यहाँ रिमूव भी नहीं कर सकते आप, ये कैसी है डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल। ओके, डिसकंटिन्यूअस विच इज इररिमूवेबल और इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसको कहते हैं इररिमूवेबल। ओके, ये थर्ड वाला चीज जो है ना इसका हेडिंग ऐसा आएगा इररिमूवेबल, सर इसको यहाँ पे क्या था ना कि एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी थी तो हम वो पॉइंट को चेंज कर लेते, लिमिट एग्जिस्ट करता है वैल्यू के बराबर है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बट रिमूवेबल, क्योंकि आप रिमूव कर सकते हो, आप कहोगे इसका वैल्यू चेंज कर दे, बट यहाँ तो पूरा फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा, अगर इसको कंटिन्यूटी करना हो तो पूरा के पूरा ब्रांच ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरा फंक्शन का डेफिनेशन ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम नहीं कर सकते, हम वैल्यू को ठीक है एक बार के लिए बोल सकते हैं यार 2 की जगह 1 रख दो, एक ही पॉइंट है बस, वो ही रिमूव जो है वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं, बट इस केस में आप रिमूव नहीं कर सकते, तो इट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हम कहाँ चेक करें, एक पॉइंट पे चेक करें। ठीक है, चलो इस पूरे को समराइज करते हैं बच्चों, है ना, बढ़िया, यही थ्योरी है हमारी, इसी को यूज करके बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स करने हैं हम लोगों को। ठीक है, क्या थ्योरी है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट भी उससे इक्वल है, एफ ऑफ ए से इक्वल है, तो हम हमेशा स्टेप्स क्या रहेगी हमारी कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, पहला चीज आप हमेशा निकालोगे फंक्शन का वैल्यू क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करता है और क्या आया है, अगर दोनों मैच कर गए तो कंटिन्यूअस, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन वैल्यू से मैच नहीं करा तो वो डिसकंटिन्यूटी कैसी होगी, रिमूवेबल। ओके, सिर्फ वैल्यू का फर्क पड़ा तो रिमूवेबल है, हम कहेंगे यार ये वैल्यू नहीं ये वैल्यू रखो तो रिमूवेबल है वो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और अगर दोनों की फंक्शन की लिमिट्स ही नहीं मैच कर रहे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर आ गया, हम लिमिट निकालना जानते हैं, हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस वी विल से इट इज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी तो है और वो भी रिमूव नहीं कर सकते हम। बच्चों ये हमारा थ्योरी है, अच्छे से आप देख लीजिए इसको, नोट्स बनाइए, आप बनाइए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये पहला केस लिखिए, इस ये पूरा लिखिए, फिर उसके बाद सेकंड केस लिखिए एक के नीचे एक, ये पूरा लिखिए, और फिर थर्ड, मैं एक बोर्ड में सारा लेना चाह रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ना ऊपर नीचे किया,
बट आप लोग बढ़िया तरीके से एक के बाद एक इसको नोट्स में लिखिएगा। इतना अगर आपने कंटिन्यूटी का कर लिया ना, तो आपका कंटिन्यूटी वैसे ही खत्म, यही कॉन्सेप्ट है। अब तो हम क्या करेंगे, स्पेशल बातें थोड़ी और बताएंगे आपको, ताकि आपका टॉपिक ईजी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है एक्चुअली, बट हम बहुत सारी और बातें करेंगे ताकि है ना आपको बेटर लगे टॉपिक, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ। और तो प्लीज नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो एग्जाम्पल नंबर वन, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। देखो कैसे दिया जाता है कि जब x जीरो नहीं होगा तो ये फंक्शन है, और x जीरो हुआ तो ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग चेक कहाँ कर रहे हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है चेक एट x इक्वल टू जीरो। तब क्या करना है, लिमिट निकालना है, वैल्यू देखनी है, और बराबर या नहीं है, ठीक है, यही काम है हमारा। सबसे पहले आप देखिए जीरो पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो वॉट इज एफ ऑफ जीरो, मतलब एक्स जीरो होने पर क्या हुआ, 7/4। और सबसे पहले आप हमेशा यही करेंगे कि वैल्यू क्या है फंक्शन का, आप एकदम मेथड बना लीजिए सॉल्व करने की, कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ, जीरो पे, तो जीरो होने पे ये क्या है फंक्शन एफ ऑफ जीरो 7/4 करेगा। आपको लिमिट देखनी पड़ेगी बच्चों, तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो। अब टेन टू जीरो का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस सर। तो नॉट इक्वल टू जीरो में मतलब आपको यही लेना पड़ेगा सीधा, तो लिमिट जब आप ये लेट करोगे इस फंक्शन पे, तो सीधा आप ये ले लोगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस 3x माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स साइन 2x, ठीक है बच्चों। अब इसको इवेल्युएट करना है आपको, यस सर। अब पहले जीरो डाल के देखो, देखो 0/0 फॉर्म है, यस। आपको पता है साइन आया यहाँ पे, तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा सर, बढ़िया बात है बेटा, यस। मैं भी यही करने वाला था, 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, यस बच्चों। तो अब क्या बचा, लिमिट x टेंड टू 0 cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 4x अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक। अब ये 2 तो बाहर, अगर आपको याद हो तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, अगर आपको याद हो तो, लिमिट x टेंड टू 0 cos mx माइनस cos nx अपॉन x स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय 2। अगर आपको पता हो तो, कि हमने लिमिट में सारी बातें देखी हुई है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको क्या करना है, एड 1 सबट्रैक्ट 1 करना है और सॉल्व करना है इसको, या फिर आप याद रखिए आपके क्वेश्चन थोड़े छोटे हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो आप देखिए इस 2 को हटा देंगे अगर, तो यहाँ पे हम यूज करें इसको, 2 कटाएगा बेटा आपने, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, 1/2 अलग कर दिया आपने, 1/2 बाहर ले लेता हूं मैं, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया। तो ये क्या है, cos of 3x minus cos of 4x upon x square, एकदम कंपेयर किया आपने, तो हमेशा ये जो माइनस के बाद वाला होता है ना वो पहले आता है, तो therefore half, ये क्या होगा 4 square minus 3 square by 2, ऐसा using the above formula। सर above formula नहीं पता मुझे, तो बच्चों आप प्लस 1 माइनस 1 करेंगे और आपको पता है 1 माइनस cos kx upon x square क्या होता है, ठीक है, यू कैन यूज दैट, ओके। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ इसको, तो ये हो गया नीचे 4, और ऊपर में आप देखोगे 16 माइनस 9, तो इट कम्स आउट टू बी 7/4। तो लिमिट का वैल्यू जो है वो 7/4 आया, हमें फंक्शन का वैल्यू क्या दिया था वो भी 7/4 दिया था, तो देयरफॉर आई कैन से कि लिमिट x टेंड टू 0 ऑन द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। लिमिट और वैल्यू एक ही हो गई, हमने लिमिट चेक किया, हमने वैल्यू चेक किया, दोनों बराबर है। दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इतना बोल के नहीं छोड़ना हमें एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहां चेक करना था, x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, ठीक है। तो ऐसे है कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसे कहां पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड बहुत आराम से, लिमिट समय आती है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अगर लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो गए तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, वेरी नाइस, गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने चाहिए प्रैक्टिस, है ना, ताकि हम समझ जाए कैसे होता है क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए और क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी, लिमिट एक्स टेंड टू, सॉरी लिमिट नहीं, हम फंक्शन का डेफिनेशन दिया होगा, तो क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 5x अपॉन टैन 2x टैन 7x, इट इज व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 5/9 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, देन चेक एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करना है। तो क्या स्टेप्स रहेंगे हमारे, व्हाट विल बी आवर स्टेप्स बच्चों, पहला स्टेप रहेगा हमारा फंक्शन का वैल्यू कहाँ है, राइट। तो 0 पे आप देखोगे तो एफ ऑफ 0 इज 5/9। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट इवैल्यूएट करिए x टेंड टू 0, क्योंकि 0 की बात चल रही है। अब 0 टेंड कर रहा है मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाला डेफिनेशन लोगे, यस बच्चों, x into sin 5x upon tan 2x into tan of 7x, इसको सॉल्व करना है। ओके, आप देखो 0/0 फॉर्म है, बहुत ही बढ़िया सर। जैसे 0/0 sin tan, तो सर फॉर्मूला इजीली लग जाएगी, यहां 7x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, करेक्ट बात, ओके 7x से डिवाइड मल्टीप्लाई।
वैसे यहाँ 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा, ये भी 1 और ये भी 1, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। तो आगे हो गया लिमिट x टेंड टू 0, x इंटू साइन 5x डिवाइड बाई 2x 7x, राइट 2x 7x, ओके ऐसा हो जाएगा बच्चों, बहुत अच्छी बात। आप देखो 1x और 1x कैंसिल, ठीक है, तो अब क्या बचा है यहाँ पे, तो आप देखोगे सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, साइन ऑफ 5x अपॉन 14x, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर साइन 5x है तो आपको नीचे भी 5x चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 1, तो मेरा आंसर आता है बेटा 5/14। अच्छा जो दिया हुआ आंसर है वो क्या है, 5/9, आर दे इक्वल, नो सर, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यस, बट इट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू गिवन, है ना, तो ये कैसे हुआ, ये डिसकंटिन्यूटी हुई एट x इक्वल टू 0, बट कैसे डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल, ओके रिमूवेबल है, राइट right? कैसे रिमूव हो सकता है बच्चों, चलो रिमूवेबल इस बात समझ में आएगी, कैसे सर, लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना तो रिमूवेबल है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं इररिमूवेबल, बट यहां कैसे लिमिट का आंसर आ गया, राइट right? लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता आपको पता है, जब इसका आंसर फाइनाइट ना आए, इनफाइनाइट हो जाए या लेफ्ट राइट से अलग अलग हो जाए, यहां लेफ्ट राइट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डेफिनेशन एक ही दिया हुआ है, लेफ्ट राइट का तुम्हें दो अलग अलग डेफिनेशन दी होगी कि एफ लेफ्ट से ऐसा है, राइट से ऐसा है, सो ऑन, ओके बच्चों, तो ऐसी बात है, तो हमारा आंसर जो है मैच नहीं किया वैल्यू से, तो हमने कहा लिमिट एग्जिस्ट तो कर गया है ना, बट वैल्यू से बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी तो है बट रिमूवेबल है, कैसे रिमूव होगा, तो भाई रिमूव कैन बी रिमूव बाय रीडिफाइनिंग, तो ये कैसे होगा, रीडिफाइन अगर करते हम, कैसे रीडिफाइन करो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये फंक्शन तो ऐसे रहेगा साइन 5x x वगैरह वगैरह tan 2x tan 7x, ओके व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/14 x इक्वल टू 0 पे। तो बहुत जगहों पे बोर्ड्स के एग्जाम में वगैरह वगैरह बोलते हैं कि रीडिफाइन द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, तो हमने कहा कि भरा डिसकंटिन्यूअस है बट रिमूवेबल है, तो रिमूव कैसे होगी, बाय रीडिफाइनिंग, कैसे रीडिफाइन किया हमने, कि डेफिनेशन तो वही रहेगा, बस वैल्यू को चेंज कर दो, वैल्यू क्या करो, चेंज करके 5/14, अगर 5/14 होता तो क्या हो जाता, ये कंटिन्यूअस हो जाता, तो आपको रीडिफाइन करने के लिए बोला जाता है बोर्ड्स में, हमारे इसमें तो बस यही पूछा गया कंटिन्यूअस है या नहीं है, जो हमने करके दिखा दिया, ओके बच्चों, तो आपने देखा सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, है ना, रिमूव करना पड़ा या फिर डिसकंटिन्यूअस था, ओके किस तरह की डिसकंटिन्यूटी थी, रिमूवेबल थी सर, ओके चलो बहुत अच्छी बात, ओके चलो बच्चों, इन्हीं में क्वेश्चन कैसे चेंज जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोला जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर के एक्स माइनस 1 इंटू साइन ऑफ के एक्स डिवाइड बाय 4x स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 9 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो बोला जाएगा कि ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, इस बार उल्टा बोला गया, तो फिर बोलता है फाइंड k, ओके देखो क्वेश्चन कैसे उल्टा कर दिया, कि इस बार ना आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, उसने बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ये डेफिनेशन है फंक्शन का कि नॉट इक्वल टू 0 पे ऐसा है, 0 पे ऐसा है, ये कंटिन्यूअस है, आपको बोला जाएगा कि फाइंड k, है ना, कंटिन्यूअस हो गया तो फाइंड k, तो बच्चों आप उल्टा काम करेंगे कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए था, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वैल्यू, है ना, बस हम हमेशा उल्टा करते थे कि भाई ये दोनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है, इस बार पूरी चीज जो है वो रिवर्स वे में आएगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए, अगेन वही काम करेंगे, पहले वैल्यू देख लेते हैं, तो एफ ऑफ 0 क्या बेटा 9 है, ओके ठीक है, लेट अस से 1 कह दिया, ओके और अब हम लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 आपको क्या ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि टेंड टू 0 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, यस सर, सारी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से बढ़िया बात है, डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है वैल्यूज वगैरह कैसी होती है, यस सर हमें पता है बहुत सारी चीजें यहां से, ठीक, तो यहां क्या होगा बेटा, ये लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई पावर के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दे देते हैं, साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स देते हैं, फिर भी 4 बच जाएगा, यस 4x स्क्वायर था, इस x स्क्वायर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, आप देखिए, ठीक, आपको ये फॉर्मूले भी पता है, ई पावर के एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज के, दिस इज ऑल्सो के, होगा क्या k इंटू के बाय 4, तो लिमिट आ गया आपका k स्क्वायर बाय 4, ठीक है बच्चों, तो लिमिट आ गया k स्क्वायर बाय 4, नाउ फ्रॉम 1 लिमिट जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वैल्यू के, तो लिमिट क्या है हमारा k स्क्वायर बाय 4, वैल्यू क्या है 9, तो बस इक्वल कर लिया, k स्क्वायर कम्स आउट टू बी 36, तो k का वैल्यू क्या आया ±6, तो ये है हमारा आंसर हो गया QED, ऐसे क्वेश्चंस हमें CET एग्जाम्स में मिल जाते हैं,
ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, बस उल्टी बात की यहाँ पे कि कंटिन्यूस है तो बता करो भाई के का वैल्यू क्या होगा, तो कंटिन्यूस है तो भाई फंक्शन और लिमिट क्या होनी चाहिए, वैल्यू और लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वही हमने काम किया, काम तो वही करना है कि फंक्शन का वैल्यू क्या है उस पॉइंट पे और लिमिट क्या है, इक्वेट करना, बात तो वही है, ठीक है, बस थोड़ा उल्टे तरीके से, समझ रहे बच्चों, चलिए है ना, और एक दो क्वेश्चन देखे, यस सर बहुत बढ़िया है ना, इजी लग रहा है सबको, इजी है कंटिन्यूटी, यस है ना, अगर आपको लिमिट आती है अच्छे से तो यस बच्चों ये बड़ी इजी बड़ी आराम से सॉल्व हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय साइन ए, ठीक है, वन पावर मतलब पावर में वन बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, साइन एक्स बाय साइन ए और पावर में वन बाय एक्स माइनस ए, कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, ऐसी बात है, एंड इट इज इक्वल टू के व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, सो देन इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, फाइंड के, के निकालिए, ऐसे बोल दिया गया हमें, ओके के निकालिए, अच्छा दिया क्या है आपको, देखा आपने, आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो सिंस हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए, करेक्ट बात, लिमिट एक्स टेंड टू ए ऑन द फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, ओके बढ़िया बात है, चलिए तो ये हमारा नंबर वन कर दिया हमने, अब एक एक चीज करेंगे, क्या पहले हम लिमिट का वैल्यू क्या है और दोनों चीजें निकालेंगे, राइट, फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए क्या है, जब एक्स ए होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, के है ना, और लिमिट निकालना पड़ेगा हमें, यस सर, एक्स टेंड टू ए पे क्या ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको, साइन एक्स बाय साइन ए रेज टू पावर वन बाय एक्स माइनस ए, कौन सा फॉर्म है ये, आप एक्स को ये रखोगे तो ये क्या रहा है, वन और ये पावर में राइट इन्फिनिटी, तो वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, अब आपको सॉल्व करना आता है वन पावर इन्फिनिटी, यस सर, है ना, बड़ा अच्छा फॉर्म है सर, हमने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ, अगर नहीं आता हो तो क्या करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स, क्या होता है एफ ऑफ एक्स, जो नीचे का फंक्शन होता है, राइट, ये एफ ऑफ एक्स है और ये पावर में जो है वो जी ऑफ एक्स है, करेक्ट, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स बाय साइन ए माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब वन बाय एक्स माइनस ए, करेक्ट बात है, एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए इंटू एक्स माइनस ए, बच्चों ऐसी बात हो गई, है ना, आपने देखा क्या क्या करा हमने, है ना, बहुत अच्छा बहुत आराम से इजी इजी पार्ट है, क्या किया हमने, एलसीएम किया साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू एक्स माइनस ए, अभी आप तो अब आप यहाँ पे ए रख के देखेंगे तो ये क्या हुआ, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाता है, करेक्ट, यस, ओके जीरो बाय जीरो आया, बच्चों यहाँ पे बात समझना है कि साइन ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे साइन ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो जीरो बाय जीरो आने के बाद हम क्या करेंगे, एल एच रूल लगाएंगे, करेक्ट बात सर, एल एच रूल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, करेक्ट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव सर साइन ए कॉन्स्टेंट है तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा बच्चों, राइट, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, नीचे साइन है वैसे ही रहेगा कॉन्स्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन है ना, साइन ए के बाद जो एक्स माइनस ए है उसका डेरिवेटिव वन हो गया, अब यहाँ पे ए रखेंगे आप तो ये क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए विच इज नथिंग बट कॉट ए, तो बच्चों ई पावर मतलब आएगा ना आपका जब लिमिट निकालते हो आप वन पावर इन्फिनिटी का, तो ये जो भी लिखा है आपने ये ई के पावर में जाएगा, तो मेरा लिमिट का आंसर जो होगा लिमिट का, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए ऑन द फंक्शन ये क्या है आपका, ई पावर कॉट ए आएगा, ठीक है, तो लिमिट का वैल्यू ये है, ओके फंक्शन का वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए इसके, तो ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर आई कैन से फ्रॉम वन के शुड बी इक्वल टू ई पावर कॉट ए, राइट, ये हमारा आंसर होगा, के का वैल्यू क्या होगा बेटा, ई पावर कॉट ए हो जाएगा, अंडरस्टूड ना, सब लोग समझ गए बराबर से, बहुत बढ़िया ना, सही है, ठीक, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, हमें के निकालना होता है कहीं पे ना, कहीं पे कुछ मतलब कंटिन्यूस है नहीं है वो चेक करना होता है, तो हमने तीन चार क्वेश्चन देखे, चलिए कुछ नोट्स में मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ना जो आपको अभी नोट करके रखनी है, ओके, सो कुछ नोट्स इस पे लिख लीजिए, नोट टाइम है ये अपना, सो सबसे पहली बात, एवरी पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है ना हमारे, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे, ठीक है, आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन, वो अपने अपने डोमेन में सारे फंक्शंस कंटिन्यूस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन देयर डोमेन, जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं है बट वो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हो जाएंगे, तो सारे फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है इन देयर डोमेन, फॉर एग्जांपल
देखो आप बोलोगे सर tan x, tan x का ग्राफ याद है आपको ऐसा था, करेक्ट बच्चों? तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो डिसकंटिन्यूअस है, बट अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि tan का डोमेन पता है आपको क्या है, tan x का डोमेन क्या है, ओके, फॉर tan x डोमेन क्या है, राइट, क्या r अदर देन 2n plus 1 pi by 2, करेक्ट, वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू। तो भाई पाई बाय टू वाले जो है वो डोमेन में ही नहीं है ना, तो अगर डोमेन में नहीं है तो अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस है, जो जो उनका डोमेन है, जो जो इनपुट्स वो लेते हैं, राइट, वो सारे इनपुट्स में, वो सारे इनपुट्स के लिए कंटिन्यूअस है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि एवरी फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ठीक है। सेकेंड, जो हमारे पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन सच एज कौन कौन से, मॉड्यूलस है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, क्या होता है, नीड्स टू बी चेक्ड, नीड्स टू बी चेक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, चेक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स मतलब बोथ साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इनके दोनों दोनों लिमिट्स हमें चेक करने पड़ते हैं, ओके। इसी की थर्ड पॉइंट देखिए, डायरेक्शनल लिमिट्स, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी है ना, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी का मतलब क्या, कि इफ इफ f of a plus is equal to f of a, f of a plus मतलब बेटा राइट हैंड लिमिट और वैल्यू अगर बराबर है, दैट इज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, देन फंक्शन इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूअस। फंक्शन में क्या कहा जाता है, राइट कंटिन्यूअस कहा जाता है। अगर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू अगर सेम है, राइट, तो हम क्या कहते हैं उसको, राइट हैंड कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है इसमें। और सेकेंड, इफ f of a minus is equal to f of a, that is left hand limit is equal to value of the function, then function is said to be left continuous, it is said to be left continuous, okay। और अगर दोनों है तो मतलब क्या, function continuous बोला जाता है। बहुत बार क्या होता है कि function अगर discontinuous है तो एक side से continuity रहती है, right। तो for example अगर मैं graph में बताऊँ आपको यही बात, तो अच्छा यहाँ graph देख लेते हैं ना, graph से समझ में आएगा आपको। कोई graph अगर मैं ले रहा हूँ ऐसा है ना, और यहाँ पे होल है, ए पॉइंट है ये, एक्स इक्वल टू ए, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो वैल्यू है फंक्शन का वो यहाँ पे है, और लेफ्ट से जो आ रहे हो वो भी यही पे आ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो वैल्यू है वो बराबर है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कैसा है, लेफ्ट कंटिन्यूस हुआ ये, राइट। राइट हैंड में क्या हुआ, होल हुआ, तो वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, राइट, वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट अलग है। तो कैन यू अंडरस्टैंड द थिंग ओवर हियर, कि मैं फंक्शन पे वैल्यू लूंगा तो वो यही आएगा, और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो भी यही आएगी। तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी एंड वैल्यू अगर बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कंटिन्यूअस, ओके। ये ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट आई कैन से द फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर एक और ग्राफ देखिए आप, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, और यहां से कोई होल आ रहा है, तो इस बार क्या हुआ, आप x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां पहुंच रही है, राइट हैंड लिमिट यहां पहुंच रही है, और वैल्यू भी यहीं पे है। तो यू कैन क्लियरली सी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो अगर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर है तो इसे कहते हैं हम द फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट इट इज राइट कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है। तो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें देख रहे हैं हम लोग, कि हर फंक्शन अपने डोमेन में, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे डोमेन में कंटिन्यूअस है। सेकंड, पीस वाइज फंक्शन की बात चल रही है, और थर्ड, इन्हीं को आगे बढ़ाया, राइट, ये क्या, एक साइड की कंटिन्यूटी होती है बहुत बार, तो राइट कंटिन्यूटी और लेफ्ट कंटिन्यूटी, ठीक है, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी कहते हैं हम इसको, ठीक। लिख लीजिए बच्चों सारे पॉइंट्स, है ना, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, अब इतना जितना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल्स देख रहे हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते जो हमने देखा अभी उस पर। सो एग्जांपल नंबर 5 है ना, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1, ओके, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है, ठीक है बच्चों। अब बात हमने अभी पढ़ी कि हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका डोमेन में कौन से पॉइंट्स नहीं है। ये जो है खुद के डोमेन में कंटिन्यूस होगा, चलिए इसका डोमेन देखे, तो इसका डोमेन क्या होगा। तो जब मैं इसका डोमेन की बात कर रहा हूं तो आई एम नो कि 2 sin x minus 1 should not be equal to 0, क्योंकि अगर ये equal to 0 हो गया तो क्या हो गया, equal to 0 वो डोमेन में नहीं आएगा, so can I say वो डोमेन में नहीं आएगा, तो can I directly say कि therefore point of discontinuity will be when 2 sin x minus 1 equal to 0,
क्या कहते हो? क्योंकि यही पॉइंट्स रहेंगे ना जो डोमेन से बाहर रहेंगे, तो जो डोमेन से बाहर है वही डिसकंटिन्यूटी होगा, करेक्ट? यस सर। तो बेटा साइन एक्स इक्वल टू हाफ हो गया, ओके। अब साइन एक्स इक्वल टू हाफ तो आप पता कर सकते हो कब होता है, यस सर, पाई बाई सिक्स पे होता है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट सर 5 पाई बाई सिक्स पे होता है और बहुत सारी वैल्यूज दिखेगी ऐसी, जनरलाइज करना चाहोगे, ठीक है? तो क्या कह सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन पाई बाई सिक्स, ठीक है सर? ये कहाँ से लाया आप बच्चों? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप पढ़ोगे, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो अभी तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? आप अभी के लिए ऐसे ही रख सकते हो, यू कैन से कि क्या हुआ पाई बाई सिक्स एंड सो ऑन, राइट? पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसे वैल्यूज आपको मिलेगी, बट इसमें जनरल सोल्यूशन इस तरह दिया जाता है, ओके बच्चों? तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ, समझ रहे हो ना क्या करा है हमने? सिर्फ डोमेन में कौन से पॉइंट्स नहीं रहने चाहिए वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगर मुझे चेक करना हो कि इसके पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू, ठीक है? ये कहाँ कहाँ पे डिस्कंटिन्यूस होगा, कहाँ कहाँ डिस्कंटिन्यूस होगा ये? आई कैन से डिस्कंटिन्यूस व्हेन, कब? जब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है? एक्स स्क्वायर को आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, यस सर, ओके। अब आप क्या करो, मॉड एक्स को टी लिख दो, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर दोनों एक ही बात होती है, ठीक है? तो आप मॉड एक्स को टी लिखा तो हो गया टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो, टी माइनस टू टी माइनस वन। तो बच्चों यहां से टी का वैल्यू टू और वन आया, मतलब मॉड एक्स क्या होगा, टू और मॉड एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस वन, ठीक है? तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी अगर ऐसे पूछा जाए तो कितने हो गए, चार, है ना? दो यहां से कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, राइट? डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स कौन कौन से? आई कैन से डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, ठीक है? ये चार पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी के। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, चार है, कहाँ कहाँ पे, तो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू। तो आपको बात क्लियर रखनी है, क्या क्लियर रखनी है कि अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर इट इज डिसकंटिन्यूस, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सर, यस बच्चों, ठीक है? चलिए और देखें, एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ऐसे काफी क्वेश्चंस करा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी, ओके बच्चों? सो सेवन, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। तो इफ ए इज लेस देन बी देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स इज कंटिन्यूस ऑन, ठीक है? आपके चार ऑप्शन भी यहाँ पे, तो कहाँ कंटिन्यूस है पता करना है आपको, ठीक है? कहाँ कंटिन्यूस है, ओके। तो जहां जो अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो सर बेसिकली आई कैन से इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, बस ये डोमेन का क्वेश्चन बन गया। फिर डोमेन निकाल दो, सर भूल गया मैं तो डोमेन निकालना, फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको चाहिए तो आप जाइए प्लेलिस्ट दिखेगा फंक्शन का और देख लीजिए, ओके। लेकिन बहुत सारे लोगों को याद होगा डोमेन जब हम चेक कर रहे होते हैं तो रूट वाला टर्म, रूट वाली शक्ल जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस। जैसे ये आया आप आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली बात है, ठीक है? यहाँ एक्स माइनस ए और यहाँ बी माइनस एक्स है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी करूंगा, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, करेक्ट बात? अब मैं मल्टीप्लाई में माइनस वन करता हूं अगर, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना इनइक्वालिटी का, ओके बच्चों? करेक्ट बात ये भी, ओके साइन चेंज हो गया सर, बढ़िया, ओके। अच्छा ऐसे क्यों किया, नंबर लाइन पे लाना है ना हमको, तो हम क्या करते हैं हमेशा x माइनस वाले फॉर्म में लाते हैं पहले, ओके यस सर। अब नंबर लाइन पे आएंगे बच्चे, नंबर लाइन पे कौन कौन सा वैल्यू आएगी, a और b, b डिनोमिनेटर में, इसलिए b पे होल आएगा और यहाँ पे ये इंक्लूड हो सकता है, ठीक है? इक्वल टू साइन के कारण, ओके। अब आपको पता है क्या होना चाहिए, यस, प्लस माइनस प्लस, दोनों x माइनस a x माइनस b फॉर्म लाने का मतलब ये था कि क्या होगा, हमेशा राइट साइड में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगर आप इस फॉर्म में लाते हो तो, ठीक। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, निगेटिव चाहिए इनइक्वालिटी, तो हमारा निगेटिव कहाँ आएगा, इस पोर्शन में आएगा सर, दिस इज द रीजन दैट वी कैन सिलेक्ट, ये रीजन है, ओके। बट ए इंक्लूड होगा तो आई कैन से एक्स बिलोंग टू इंक्लूडिंग ए एंड नॉट इंक्लूडिंग बी, तो इसका डोमेन हो गया हमारा इंक्लूडिंग ए एंड नॉट इंक्लूडिंग बी, तो यही हमारा रीजन होगा जहां ये कंटिन्यूस है, ठीक है? बच्चों समझिए आराम से बात, है ना? फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है पूछा गया, तो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो रूट के अंदर की शक्ल कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, राइट? तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हम चेक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्व किया कैसे, तो यहाँ पे बी माइनस एक्स था, इसको एक्स माइनस बी बनाया, तो माइनस बाहर, फिर मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या किया सर आपने, नंबर लाइन पे आ गए सर, ये नंबर लाइन पे आपने देखा ए बड़ा या बी बड़ा बोला हुआ है, तो बी बड़ा है, इसलिए जो बड़ा है वो राइट साइड में, फिर ये छोटा हुआ, ओके। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो बी पे होल बना दिया और ए इक्वल हो सकता है, ओके बच्चों?
अब हमेशा क्या करना है, बी के राइट साइड पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और आपको निगेटिव वाला चीज चाहिए था. ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट. तो देखिए क्लोज ब्रैकेट ए एंड बी साइड पे. तो जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना, एट एक्स इक्वल टू चेक करना है. ठीक है, तो जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो पीस वाइज है, तो मुझे ये दोनों साइड से देखना पड़ेगा, करेक्ट? यस बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब एक्स इज टू माइनस, टू माइनस मतलब आपका वैल्यू जो है वो क्या है, 1.99 के बराबर है. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको, तो क्या आएगा, 1 आएगा. यस सर. जब राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है, तो एक्स टेंड टू 2+, 2+ मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है, 2.0001 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, राइट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता मतलब क्या हुआ, कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, बट हमारे ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो नन करेगा क्या, नहीं. ये लेफ्ट और राइट वाली बात है, चलो देखें. तो वैल्यू क्या है, 2 पे क्या आता है, ग्रेटर देन ऑफ 2 आएगा, व्हिच इज 2, 2 पे वैल्यू 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, 2 है. तो आई कैन क्लियरली सी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू क्या है, बराबर है. तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, राइट कंटिन्यूअस, क्या कहेंगे, राइट कंटिन्यूअस. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या है, राइट कंटिन्यूअस है, ऑप्शन आपका पहला आ गया. तो ऐसे आपको कंटिन्यूटी ना, एक मतलब देखा, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी हो गई, कि राइट हैंड लिमिट और वैल्यू अगर बराबर आ गई, जो कि यहाँ पे है, तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट कंटिन्यूअस हो गया. समझ रहे हो बच्चों, है ना, इस तरह हमें सॉल्व करना था, इस तरह हम बात करते. ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, करना चाहोगे आप लोग, बहुत अच्छा है, आसान है. लिमिट एक्स, अब जो फंक्शन है देखो, दोनों साइड से अलग अलग फंक्शन है, तो लिमिट भी आपको इवेलुएट करते हुए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से इवेलुएट करना पड़ेगा. यस, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है, तो आपको अगर राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करनी है, मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 1+, एक से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, जब मेरा एक्स का वैल्यू एक से बड़ा, यहाँ पे तो सर एक से छोटा है, ये एक से बड़ा हुआ, तो इसके लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे, लॉग एक्स. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा, और एक से बड़े के लिए, एक से छोटे के लिए कौन सा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक से बड़ा मतलब एक्स ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो तो आपका फंक्शन ये रहेगा, करेक्ट? यस. अब यहाँ पे 1 डालेंगे बेटा, ये क्या आएगा, लॉग 1, तो इसका आंसर 0 आ गया. ठीक है, एक से कितना बड़ा, बहुत ही कम बड़ा ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम 1 डाल के देखेंगे. वैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक से छोटा, एक से छोटा मतलब देख रहे हो ये वाला डिफरेंस होगा, एक्स अगेन 1 डाला तो 1 आया, राइट. तो आपको क्या दिख रहा है कि LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल, राइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1. और ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, अगर कोई पूछता है आपको, तो कैसी होगी, लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है ना, तो इररिमूवेबल है ये. ओके, इररिमूवेबल है ये भी डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल है, बट यहाँ ऑप्शन ही ऐसे कि राइट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें से एक आ गया, इसलिए हम नन की तरफ नहीं गए बच्चों. अंडरस्टूड? तो ऐसे हमें क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग, हाँ, जो आपको ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं. तो चलिए, इस सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कंटिन्यूटी होती क्या है. सर ये ऑलमोस्ट सारा लिमिट ही तो है, यस, 99% लिमिट्स ही है, 1% बस कि वो वैल्यू से बराबर है नहीं है, वो सब चीजें देखनी है हमको, तो अब कंटिन्यूटी की बात होगी. ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स देखे, अलग अलग नोट्स बनाए हमने, हाँ, काफी अच्छा शुरुआत हुआ है. और भी आगे के सेशंस में हम लोग देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन को इन्वॉल्व किया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल को इन्वॉल्व किया, सिग्नम को इन्वॉल्व किया, फ्रैक्शनल पार्ट को इन्वॉल्व किया, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कंटिन्यूटी पे, है ना, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. चलिए, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं विद अ स्टार क्वेश्चन. आज का स्टार क्वेश्चन क्या है, चलो देखिए. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बनाए ना, और सारी चीज समझ भी आई है, तो अगर ये बात है कि नोट्स अच्छे से बन गए हैं, सारी चीज समझ में आई है, तो स्टार क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा आपसे. ओके, तो स्टार क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1+ ए कॉस एक्स, ठीक है, माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0. ये 1 है व्हेन इट इज 0. सो आई के व्हाट आई नीड इज, सो फाइंड ए एंड बी, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. राइट, आपको वैल्यूज निकालनी है और भी, ठीक है. आपका पहला ऑप्शन है, देखिए आपका पहला ऑप्शन है 5/2, 3/2, सेकेंड ऑप्शन है 5/2, -3/2, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका -5/2, -3/2, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/2, -3/2, ठीक है बच्चों. तो ये चार ऑप्शन है आपके. आपको फंक्शन देखिए एक बार, x into 1+ a cos x -b sin x upon x cube,
ठीक है, एंड वन व्हेन द वैल्यू फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, आपको ए और बी निकालना है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। बच्चों लिमिट का ही क्वेश्चन है, आपने इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट किए, ये भी सच में एक अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो यार बहुत बढ़िया बात है, मुझे समझ जाएगा कि कितना तगड़ा आपका ये टॉपिक हो चुका है, लिमिट्स ही रिवाइज हो रहा है मोस्टली, ठीक है। अच्छा जितने बच्चों को नहीं आएगा इसका सोल्यूशन चाहिए आपको, टेलीग्राम चैनल है ना, कौन सा गणितंक, सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए रोज, है ना, ऑन द सेम डे मैं सोल्यूशन शेयर करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, लिंक इज ऑल्सो देयर इन डिस्क्रिप्शन जो मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी जो है राइट, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। तो ऐसे सारे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड बच्चों, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, थैंक यू।